हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशीष। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में नेटवर्क सेटिंग को सेट कर सकते हैं। दोस्तों, नेटवर्क सेटिंग क्या है? दोस्तों, अगर आप किसी भी सिम को यूज़ करते हैं तो फिर आपको मालूम होगा कि दो तरीके के नेटवर्क्स होते हैं, 2G और 3G। और अगर आप आइडिया, एयरटेल या जियो का सिम यूज़ करते हैं तो फिर आपको जानते होंगे कि एक और तरह का नेटवर्क होता है, जो कि होता है 4G। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर तीन तरह के नेटवर्क मिल गए हैं, 2G, 3G और 4G। आज की इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों कैसे आप एक पर्टिकुलर नेटवर्क को, सिर्फ एक पर्टिकुलर या फिर दो पर्टिकुलर नेटवर्क को अपने हिसाब से अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में सेट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको सीधे वहीं पर ले जाता हूँ कि दोस्तों कैसे आप किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क को अपने हैंडसेट में सेट कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले अपने फ़ोन डायलर में जाना है। डायलर में जाने के बाद दोस्तों आपको एक नंबर प्रेस करना है, जो कि है *#*#4636#*#*#। दोस्तों, ये नंबर डायल करने के बाद आपको जो यहाँ पर सेटिंग देखेगी वो कुछ इस तरीके की होगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहली सेटिंग जो है वो है फ़ोन इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आपको उसके अंदर जाना है। दोस्तों, फ़ोन इन्फॉर्मेशन में आपको जाने के बाद आपको दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है दिखाई देगी, तो फिर आपको इसमें से किसी भी बटन को नहीं दबाना है। दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर आपको यहाँ पर मिलेगा सेट प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप। अब दोस्तों, उसके यहाँ पर आपको ये देखिए, ये जो बार है, आप अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक पूरी लिस्ट दिखेगी। अब दोस्तों, ये जो लिस्ट है ये नेटवर्क्स की लिस्ट है। अगर मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों, ये जो GSM ओनली लिखा है सेकेंड नंबर पे, अगर आप इस पर क्लिक कर देते तो दोस्तों आपके फ़ोन में सिर्फ 2G नेटवर्क्स आएंगे। उसके नीचे दोस्तों WCDMA ओनली, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन में सिर्फ 3G नेटवर्क्स आएंगे। और अगर आप नीचे जाते हैं थोड़ा, और आपको यहाँ पर मिलता है LTE ओनली, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके मोबाइल में सिर्फ LTE के नेटवर्क्स आएंगे। दोस्तों, ये तो हो गई सिर्फ सिंगल नेटवर्क की। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन में सिर्फ दो तरीके के नेटवर्क्स आएँ, मान लीजिए कि आप अगर चाहते हैं कि आपके फ़ोन में 2G नेटवर्क्स ना आकर सिर्फ 3G और 4G नेटवर्क्स आएँ, दोस्तों यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा है LTE/WCDMA। दोस्तों अगर आप इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन में सिर्फ 4G और 3G नेटवर्क्स आएंगे। यहाँ पर WCDMA का मतलब है 3G और LTE का मतलब है 4G। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ऑन नीचे जाते हैं तो फिर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि TD-SCDMA, GSM, WCDMA और LTE। इसका मतलब है दोस्तों 2G, 3G और 4G। ये जो सेटिंग है आपके में बाई डिफ़ॉल्ट सेव रहेगी। इसका मतलब है अगर आप इस पर क्लिक कर देते तो फिर आपके फ़ोन में 2G, 3G और 4G के नेटवर्क्स आएंगे। मान लीजिए अगर किसी आप एरिया में गए जहाँ पर 3G नेटवर्क्स या इवन 4G नेटवर्क्स नहीं है, तो फिर उस केस में आपके मोबाइल में सिर्फ 2G नेटवर्क्स आएंगे। दोस्तों, ये हैं वो सारी सेटिंग्स। अगर मान लीजिए कि मुझे अपने मोबाइल में सिर्फ 2G नेटवर्क को सेट करना है तो मैं यहाँ पे GSM ओनली को वो प्रेस कर दूँगा। और प्रेस करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला नेटवर्क है वो ऑटोमेटिक 2G में हो गया है कन्वर्ट। और दोस्तों, अगर मैं इस पर क्लिक करके WCDMA ओनली पे क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो पहला नेटवर्क है वो अभी थोड़ी देर में 3G में सेट हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक और चीज़ बतानी है इस ट्रिक के बारे में कि दोस्तों आप ये जो ट्रिक करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सिम स्लॉट में ही काम करेगा। अगर आप किसी भी नेटवर्क को अपने हिसाब से सेट करते हैं तो वो सिर्फ फर्स्ट स्लॉट में ही काम करेगा, सेकंड सिम स्लॉट में वो काम नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर H का निशान बना गया है, तो मैं BSL की सिम यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि मतलब अगर देखें तो फिर H का मतलब उसमें 3G ही होता है। और मान लीजिए कि अगर मैं LTE ओनली में इसको सेट कर देता हूँ तो देखिए दोस्तों, थोड़ी देर में इसके नेटवर्क गायब हो जाएंगे और कोई भी नेटवर्क शो नहीं होगा, क्योंकि BSNL का 4G अभी नहीं आया है। तो मैं इसको वापस से WCDMA ओनली में क्लिक कर देता हूँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3G के नेटवर्क्स आने लगे हैं। तो दोस्तों, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करूँ तो फिर दोस्तों इसके एडवांटेजेस ही मुझे मिले हैं, डिसएडवांटेज अगर मैं बोलूँ तो कोई भी नहीं है। और दोस्तों, मैं इस ट्रिक को पिछले 15 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखी है। और दोस्तों, मैं इस ट्रिक को ZUG Z2 Plus, लेनोवो के ZUG Z2 Plus में यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपसे बस ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ये मेथड किसी और फ़ोन में ट्राई कर रहे हैं तो आप अपनी रिस्क से चाहें तो उसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ZUG Z2 यूज़र हैं तो फिर आप इस मेथड को ट्राई कर अपने नेटवर्क्स को और बेहतर कर सकते हैं अपने हिसाब से। और दोस्तों, मुझे ये सेटिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दोस्तों ZUG Z2 Plus में कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम आ गई है कि मेरे फ़ोन में फुल नेटवर्क होते हैं 3G के, लेकिन 3G के नेटवर्क्स नहीं आते हैं, सिर्फ 2G नेटवर्क्स ही आते हैं। तो इसलिए मुझे ये वाली नेटवर्क इसमें सेट करनी पड़ी।
तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।